Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. Okay, तो बात करते हैं आज आपको कहा ना पांच शॉट मतलब फाइव ट्रिक्स आपको ऐसी बताऊंगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपकी करा देगी, एक एक करके बात करनी। आखिरकार सबसे पहले ये बात करी जाएगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस बार जो आपका टेस्ट होगा, इस बार जो आपका संडे को टेस्ट होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा एक तो आपका पहली चीज, और दूसरा आपका आएगा थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स। दोनों टॉपिक को मैं इसी वीक में आपके कंप्लीट करा दूंगा। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट के द्वारा जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनके द्वारा आप अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग कर लीजिएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपनी बात कौन सी वाली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, आखिरकार पांच वो कौन सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। पहला हमारे पास में हुआ था डिस्चार्जिंग, मतलब अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूंगा तो। दूसरा हमारे पास में हुआ करता है फेराडे। तीसरा हमारे पास में हुआ करता है नस्ट इक्वेशन का, और चौथा हमारे पास में होता है डेल्टा जी, और पांचवा हमारे पास में हुआ करता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से रिलेटेड वाली बातें आप मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन तो जो होते हैं वो कंडक्टेंस के हुआ करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास में जब आती है वो डिस्चार्जिंग की आया करती है। डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक करके मैं उन सारी बातों को आपके सामने शुरू करता हूं। सबसे पहले डिस्चार्जिंग से रिलेटेड बातें मैं लिखूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा, और फिर हम बात करेंगे कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है तब, तो आप इसके साथ साथ जो पीडीएफ लिंक है नीचे की ओर उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, चीजों को रिवाइज कर लेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम इसके अंदर डिस्चार्जिंग, उसके बाद में बात करूंगा मैं डेल्टा जी वाले पे, फिर फेराडे और इन सबको भी लेना शुरू करूंगा। डिस्चार्जिंग, फेराडे, डेल्टा जी और नासिक क्वेश्चन एक एक करके बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है साहब, ओके तो बात कर देते हैं अब हम डिस्चार्जिंग की। और डिस्चार्जिंग में हमारे पास में बात आती है, ये एक टेबल या एक आपको कंसाइज चीज दे रखी है यहां पर हमारे पास में क्या, जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं डिस्चार्जिंग किसकी करा करते हैं, हम आयंस के रेस्पेक्टिव बात करते हैं। मेरे पास में मान लीजिए ए और बी है, तो यहाँ क्या आपका माइनस और प्लस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला मतलब कैटायन वो जाएगा कैथोड पे, जो नेगेटिव वाला एनायन एनायन जाएगा एनोड पे। तो कैथोड और एनोड का गेम हमारे पास में यहां होने जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखे रहेंगे। अब उसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मैं सबसे बड़ी बात आपको समझाने जा रहा हूं वो बात हमारे पास में क्या, अगर मैं एनायन को डिस्चार्ज करता हूं तो इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या होता है सबसे ज्यादा, इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या होता है सबसे कम हुआ करता है। जब हम कैटायन की बात करेंगे तो आपके डिस्चार्जिंग करते 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 यहां गए और यहां हाइड्रोजन है, और उसके बाद में लास्ट में ये हुआ करता है, मतलब इसका डिस्चार्जिंग सबसे मुश्किल है, इसको रिड्यूस करना मुश्किल है। उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका होता है लिथियम का होता है, और सबसे कम किसका होता है एयू का होता है। इस चीज का ध्यान रखे रहेंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, कहीं से कहीं तक भी भूलना नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। क्या इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि बहुत अच्छा रिड्यूसर कौन होगा, जिसका निगेटिव में, ये निगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब हमारे पास में निगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल इनके दिए हुए हैं, जिसका निगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसर होगा, मतलब सामने वाले को वो बहुत आसानी से क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा। तो इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसर कौन है, ए है, ए के बाद हमारे पास में कौन है डी है, डी के बाद कौन है बी है, बी के बाद कौन है सी है। तो ए डी बी सी ये हमारे पास में सिक्वेंस हो जाया करता है। ठीक है, अब यहां इन चीजों को ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं NaCl एक्वस का डिस्चार्जिंग करनी है तो Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। अब मैं करता हूं इसको डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने में हमारे पास में क्या होता है ये और ये क्या है कैटायंस हैं, कैटायन जब डिस्चार्ज करे जाते हैं तो कैथोड पे आपका H2 जाएगा, किस पे जाएगा कैथोड पे। जब हम एनायन की डिस्चार्जिंग करते हैं तो एनायन ये एनोड पे जाएगा, बचेगा कौन ये क्या NaOH, दैट्स इट। कैथोड पे कैटायन, एनोड पे एनायन, और हमारे पास में NaOH। अब आप सोचेंगे ये कैसे चला गया, इसी चीज को फोकस करना है, एक क्वेश्चन आपका इसी पे बनने के चांसेस होते हैं, ये जो सब दिया है इनमें से एक क्वेश्चन बनने का हमेशा चांसेस होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारे पास में क्या है, अगर हम इन दो कैटायन का कंपेयर करते हैं तो इनमें से इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या कम है, क्योंकि यहां कर चलेंगे ये लेके बांसुरी को ना मुझे अलबियाई, आपको सबको याद है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हाइड्रोजन के पास कौन होते हैं ये CuHgAgPtAu, इसको हम बोलते हैं चापा, इनको हम क्या बोलते हैं साहब चापा बोला करते हैं। ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है,
तो हमारे पास में क्या होगा, इसका डिस्चार्जिंग इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो ये हाइड्रोजन से नीचे हुआ करते हैं, इनका डिस्चार्जिंग थोड़ा सा क्या हुआ करता है, आसान होता है, इसका मुश्किल हुआ करता है। तो वहां पर अगर हम बात करेंगे सोडियम और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन सोडियम से क्या है, नीचे है, इसलिए इसका डिस्चार्जिंग आसान है, इसका डिस्चार्जिंग आसान है। तो सोडियम और हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली हाइड्रोजन डिस्चार्ज पहले हो जाएगा। Cl- और OH- की बात करेंगे तो OH का निकलना मुश्किल है, Cl का डिस्चार्ज होना आसान है, तो Cl2 डिस्चार्ज हो गया, बचा क्या रह गया, NaOH। अगर मैं यहां पर आपसे बात करता हूं, इसकी डिस्चार्जिंग अगर मैं करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, H2O, साथ में क्या निकलेगा, O2। अगर मैं इसकी डिस्चार्जिंग की बात करता हूं तो ये H2O8-, ये हमारे पास में होगा। जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहां क्या जाएगा आपका, CH3, यहां पर कौन पैदा होगा आपका, CO2, इस तरह से ये आपका जाता है। तो ये हमें क्या रखना है, याद रखने किससे क्या मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में बातें हो गई हैं। तो अगर हम यहां बात करेंगे तो Na प्लस OH जुड़ेगा NaOH, सॉल्यूशन की नेचर कैसी हो गई, अगर मैं NaCl वाटर के रूप में डाल के लेता हूं, NaCl पर अगर मैंने वाटर डाला तो मुझे क्या मिलेगा, NaOH और HCl, ये कैसा, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, ओवरऑल का नाम क्या हो जाएगा, ओवरऑल का नाम हो जाएगा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया इस समय पे। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रोलाइज करूं, मतलब इसमें अगर करंट का ये डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट करूं, तो डिस्चार्जिंग अगर मैं करूंगा तो पैदा क्या होगा, NaOH, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक न्यूट्रल। अब जरा इसकी बात करते हैं, Na2SO4, अगर मेरे पास Na2SO4 है तो Na+SO4-H+OH-, ये मेरे पास में दिया हुआ है। अब अगर मैं यहां डिस्चार्जिंग की बात करता हूं तो यहां पर इन दोनों में से देखेंगे फिर से ये बात, ये डिस्चार्ज होगा, इन दोनों में देखेंगे तो ये डिस्चार्ज होगा H2 और O2 के रूप में, बचेगा ऐसे का ऐसे Na2SO4। इसका मतलब ये है कि Na2SO4 एक्वस मीडियम में डालने पर ना Na ना SO4 कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, वाटर डिस्चार्ज होकर के चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं CuCl2 की बात करूंगा तो Cu++ Cl-H+OH-, देखिएगा इन दोनों में नीचे कौन है, Cu है, इन दोनों में नीचे कौन है, Cu है। एक चीज और मैंने बताई, Fe+3 और Fe+2, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन वाले जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नीचे हुआ करते हैं, नीचे ऊपर, ये ध्यान रखे रहेंगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट। तो यहां Cu डिस्चार्ज हो जाएगा और इनमें Cl और OH में देखेंगे तो Cl2 हो जाएगा, बचा रह जाएगा H2O। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक क्वेश्चन ये बचता है, Ag+H+SO-OH-। अगर यहां डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो डिस्चार्ज होगा Ag और यहां डिस्चार्ज की बात करेंगे तो डिस्चार्ज कौन होगा, OH, बचेगा क्या, H2SO4, बचेगा क्या, H2SO4। तो ये था आपका डिस्चार्जिंग से रिलेटेड मतलब। और यहां जो ये डिस्चार्जिंग हो रही है किसके ऊपर हो रही है, ये हो रही है न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे प्लेटिनम निकल, उनसे हम डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम इनको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस चीज का आप अपने आप में ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगली चीज, अगली बात क्या, ये डिस्चार्जिंग हुआ, अब फेराडे को कराना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट में मिलते हैं आपसे फेराडे की कुछ ट्रिक टेक्निक और मेथड्स के साथ, ठीक है, चलिए फेराडे पर आते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। ये फेराडे ने हमारे पास में क्या कहा था कि अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो जो डिस्चार्ज हो रही है अमाउंट, उसका वेट, डिस्चार्ज हो रही है उस अमाउंट उसका अगर हम बात करेंगे तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, Zq, मतलब वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब मास जो डिपॉजिट हो रहा है, Zit, इक्वलेंस इज इक्वल टू क्या होगा, Q/F, इक्वलेंस क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और Q/F, इक्वलेंस ओवर मोल्स बराबर क्या हुआ करता है, फैक्टर हुआ करता है, फैक्टर Na के लिए जैसे 1, एल्युमिनियम के लिए 3, KMnO4 के लिए क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी हमारे पास में ऐसा भी आ जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ये दिया था SnHCl डाल दिया, हमसे कहा आपने इसमें कन्वर्जन कर दिया है, तो यहां कितना है +4 और यहां कितना -2, तो यहां चेंज आया, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत लीजिए, तो कितने का चेंज आया, 6 का, तो ये फैक्टर कहलाता है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाया करते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, फाइंड आउट वेट वॉल्यूम एनटीपी ऑफ डिपॉजिटेड, वेट वॉल्यूम एनटीपी ऑफ डिपॉजिटेड बाय अप्लाइंग 20 एम्पेयर करंट अप टू 10 आवर 80% एफिशिएंसी है इन, हमारे पास में किसके लिए ऐसी बात कर रहा है ये भी बताना आपको जरूरी है, CuSO4 एक्वस, हमसे कहता है CuSO4 एक्वस को हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइज करा। जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रोलाइज करा तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनके नाम बताइए कौन डिपॉजिट हो रहे हैं,
दूसरा वेट और वॉल्यूम बताइए जो डिपॉजिट हो रहा है। तो जरा बात करते हैं, मेरे पास में यहां पर क्या दिया हुआ है, सी यू प्लस प्लस है, एसओ फोर माइनस माइनस है, एच प्लस है, ओ एच माइनस है। तो यहां डिपॉजिट करेंगे तो यहां डिपॉजिट कौन हो जाएगा, सी यू, और यहां अगर हम डिपॉजिट करेंगे इन दोनों में तो डिपॉजिट होगा आपका कौन, एस टू ओ, और साथ में क्या निकलेगा, हाफ ओ टू, ये मेरे पास में होता है। तो इक्विवेलेंस की बात जब आएगी तो आपका क्या आएगा, इक्विवेलेंस ऑफ सी यू इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ओ टू इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ एस टू ओ, ये मेरे पास में इक्विवेलेंस का फंडा होता है, ये मेरे पास में इक्विवेलेंस होते हैं। बचा क्या रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा ये, और इसका नाम क्या है, एस टू एस ओ फोर, इसका नाम क्या है, एस टू एस ओ फोर। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इस जगह पर, क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन आपकी निकल रही है, यहां पर सी यू, ये तो हो गए दोनों नाम। अब बात आती है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस अगर मेरे पास में आ गए तो मेरा क्वेश्चन इजी हो गया। तो इक्विवेलेंस की बात अगर हम यहां करेंगे तो 20 एम्पीयर करंट अप टू 10 आवर ये सब, तो इक्विवेलेंस बराबर हमने क्या कहा, क्यू बाई एफ, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी बाय एफ, आई हमारे पास में क्या करंट है, तो मेरे पास में कितना दिया हुआ है, 20 एम्पीयर करंट, ठीक है, 10 आवर, 10 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 96000, और कितने परसेंट एफिशिएंसी है, 80% है हमारे पास में, 80% एफिशिएंसी है। तो इस सारी कैलकुलेशन को अगर मैं यहां देखने लगता हूं आपके लिए, तो ये हमारे पास में इस तरह से कैलकुलेशन हो गई। तो यहां से आपका क्या निकल करके आ गया, इक्विवेलेंस निकल करके आ गया। तो इक्विवेलेंस ऑफ इसके सी यू के इज इक्वल टू ओ टू के इक्विवेलेंस। अब हमसे कह रहा वॉल्यूम बताइए, तो इसका वॉल्यूम तो हमारे पास में गैस नहीं है, इसका नहीं होगा वॉल्यूम, इसका भी नहीं होगा वॉल्यूम, होगा इसका, किसका वॉल्यूम होगा, ऑक्सीजन का। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। तो इक्विवेलेंस वॉल्यूम अगर हमारे पास में बात करी जा रही है, तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, इक्विवेलेंस वहां से मान लीजिए एक्स निकल के आते हैं, इज इक्वल टू इसका वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट 63.5 बाई 2, ये किसके लिए हुआ, सी यू के लिए। अब इसकी बात आ जाती है, इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंस वॉल्यूम, इक्विवेलेंस वॉल्यूम कैसा आएगा, मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाई फैक्टर, फैक्टर कितना है 4, O2 का फैक्टर कितना हुआ करता है, 4 हुआ करता है, कैसे 22.4 डिवाइड बाय, आप कहेंगे ये क्या मतलब है, तो इक्विवेलेंस बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंस वॉल्यूम, इक्विवेलेंस वॉल्यूम कैसा होता है, मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय फैक्टर, हाइड्रोजन के लिए फैक्टर कितना होगा 2, ऑक्सीजन के लिए कितना है हमारे पास 4, ये मैंने इक्विवेलेंस वाले फंडे में समझा रखा है, नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 6, यहां से वॉल्यूम आ गया। एक क्वेश्चन नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड आउट क्यू अप्लाई टू कन्वर्ट 20 मोल्स KMnO4 इंटू Mn+2, KMnO4 के 20 मोल्स थे, उनको MnO2 में कन्वर्ट करने के लिए, Mn+2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरे पास में KMnO4 दिया हुआ है, से हमने क्या करना है, Mn+2, तो ये कितना है 7, तो हमारे पास में क्या होगा, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होने जा रहा है, इक्विवेलेंस ओवर मोल्स बराबर क्या होता है, फैक्टर हुआ करता है, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टर कितना है 5, मोल्स कितने हैं, मोल्स हमारे पास में यहां दिए हुए हैं कितने 20, तो ये हो गया इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एफ, क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ करता है 100 F, दैट्स इट, सॉल्व वैल्यू रखिए, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास में क्या था, फेराडे, इक्विवेलेंस बस आपको निकालना चाहिए, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू क्यू अपॉन एफ, एफ क्या फेराडे 96500 करके, और Q by F, I into T by F, ये something 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 करके ये सारा concept हुआ करता है। तो ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में बहुत important बात थी, और वो बात थी related with Faraday, Faraday की initiate करें, एक दो Faraday के questions मैं आपको और लिख के करा देता हूं, और फिर उसके बाद हम next बात करेंगे डेल्टा जी की, ठीक है, Faraday के एक दो question और करा देते हैं आपको, चलिए। ओके, तो नाउ कमिंग विद दिस, हमारे पास में ये आ जाता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, पहले हमने डिस्चार्जिंग की बात करी, अब हम फ्राइडे की बात करें। फ्राइडे में मैंने अभी तक आपको बताया था इक्विवेलेंस निकालने आने चाहिए आपको, अगर इक्विवेलेंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में यहां क्या हो जाएगा, क्यू यहां से चार्ज पास हो रहा है, NaCl दिया हुआ है या AgCl दिया हुआ, हमसे ये कहेगा कि यहां से क्यू जैसे हमने पास किया तो यहां और यहां मेटल के मास का रेशियो बताना है, मतलब जितना मेटल यहां डिपॉजिट होगा वो और जितना मेटल डिपॉजिट होगा यहां, उन दोनों के मास का रेशियो बताना है। तो ऊपर वाले की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है, क्यू बाय एफ होने जा रहा है, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, इक्विवेलेंस की बात आती है, इक्विवेलेंस हमारे पास में कैसे होगा भैया, पहले डिपॉजिट क्या हो रहा है, यहां मेरे पास में Na+ है, यहां मेरे पास में Cl- है, यहां कौन है H+ है, यहां कौन है H- है।
अगर मैं यहां डिपॉजिट करने की बात करूंगा तो इन दोनों में से डिपॉजिट कौन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका S2, इन दोनों में से डिपॉजिट कौन होगा ये हमारे पास में क्या हो जाएगा Cl2, और बचा हुआ क्या रह जाएगा आपका NaOH। इसका मतलब इसके अंदर मेटल का डिपॉजिट मास कितना है, जीरो है। ये देखना बहुत जरूरी है आपको। जैसे AgCl की अगर मैं बात करूंगा तो AgCl मेरे पास में होगा तो Ag प्लस होगा, H प्लस होगा, OH माइनस होगा, Cl माइनस होगा। अगर यहां डिपॉजिट करने वाली बात आएगी तो Cl2 डिपॉजिट होगा, ठीक है। इन दोनों के डिपॉजिट करने वाली बात आएगी Ag डिपॉजिट होगा, बचेगा क्या S2। तो यहां तो मेटल डिपॉजिट हो रही है और इस मेटल का वेट कितना होता है 108, मतलब यहां पर जो वेट डिपॉजिट होगा किसके बराबर डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट डिपॉजिट होता है। इक्विवेलेंस से तो डिपॉजिट होते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट डिपॉजिट होगा। अब यहां पर बात आती है, ये हमारे पास में दिया, हमसे कहेगा मोल्स रेशियो बताइए, हमसे कहेगा मोल्स रेशियो ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, हमें बताना है कि मोल रेशियो क्या होगा मेटल्स के डिपॉजिट का, वो हमें बताना है इस जगह पर। तो हमारे पास में पहले वाले केस में क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ किसके Al प्लस 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 मतलब एल्यूमिनियम के इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ किसके Fe के इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ किसके Na के। अब इक्विवेलेंस दिए हुए हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप कहोगे इक्वल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां से जो चार्ज Q जा रहा है Q by F इज इक्वल टू क्या होता है इक्विवेलेंस, Q यहां से भी जा रहा है, Q यहां से भी जा रहा है, Q वहां से भी जा रहा है, Q वहां से, मतलब सबसे क्या जा रहा है Q जा रहा है। तो Q चार्ज सब में एक जैसा है, F एक जैसा है, तो इसका मतलब यहां और यहां इक्विवेलेंस कैसे हैं, एक जैसे हैं। यहां इक्विवेलेंस बराबर, क्योंकि यहां भी Q चार्ज है, यहां भी Q चार्ज है, यहां भी Q, इक्विवेलेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस ऑफ Al इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na। तो हमारे पास में क्या होगा, इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंस ओवर मोल्स, मोल्स इंटू फैक्टर, मोल्स इंटू फैक्टर, मोल्स इंटू फैक्टर। तो यहां का फैक्टर कितना है, यहां का फैक्टर है 3, यहां का फैक्टर कितना है, यहां का फैक्टर है 2, यहां का फैक्टर कितना है, यहां का फैक्टर है 1। मोल का रेशियो निकाल लीजिए, कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो n1 अपॉन 2, n2 अपॉन 3 और n3 अपॉन 6, दैट्स इट, 2:3:6, 2:3:6, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास में आंसर निकल गया, किसका रेशियो है, मोल रेशियो है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है, वो आपसे कहेगा कि हमारे पास में क्या था, सिल्वर था, एक सिल्वर का हमें कोटिंग करनी है, मतलब सिल्वर की हमें कोटिंग करनी है एक प्लेट के ऊपर जिसकी डायमेंशन दी है 10x20, ठीक है। इतना चार्ज अप्लाई करने से सिल्वर उसके ऊपर कोटेड करना है, और आपसे कहेगा कि बताइए उसकी थिकनेस कितनी होगी, ऐसे करके। तो हमारे पास में सीधी सीधी सी बात क्या होनी है, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एफ, ये निकाल देंगे। इक्विवेलेंस बराबर क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंस होगा वेट हमारे पास में जो डिपॉजिट होगा वो अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 108, इक्विवेलेंस लगा दीजिए तो वेट डिपॉजिट हमें पता चल गया, हमारे पास में वेट डिपॉजिट आ गया। वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर हुआ करता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमें गिवन होगी, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 10x20x t, यहां से t निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास में आया करते हैं, उन्हें भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम तरह की जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर बन सकती हैं वो मैंने आपको इस समय पर यहां पर बता दी हैं। ये हमारे पास में फेराइडे से रिलेटेड था, अब हम बात करेंगे डेल्टा जी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, और डेल्टा जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके चांसेस इस चैप्टर में सबसे ज्यादा होते हैं आने के लिए, उनकी शॉर्ट ट्रिक टेक्निक अब आपको बताता हूं मैं, ठीक है। यहां इक्विवेलेंस के थ्रू करना है, डिस्चार्जिंग याद रखना, उनकी ट्रिक्स टेक्निक को बताता हूं कि फटाफट उन्हें कैसे करके, आंसर आपके चार दिए ऑप्शन तो उन्हें कैसे देख लेना, कैसे उन्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है साहब। तो चले करें काम, किससे रिलेटेड, हमारे पास में जो बात बती है उसका नाम है डेल्टा जी। चलिए ओके, तो बात शुरू कर देते हैं अब डेल्टा जी की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बीच में रखा हुआ है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हार्ट है जी, दिल है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दिल, और इस दिल की धड़कन कुछ इस जगह पे जा जाकर के धड़क रही है, जरा देखते चले जाइए। हमारे पास में डेल्टा जी हुआ करता है, ये अपने आप में एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करता है, डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जी वन जी टू, ये क्या मतलब एक्सटेंसिव को जोड़ा जा सकता है। एक्सटेंसिव को हमारे पास में जो है वो वर्क डन हमें कैसे शो करता है, माइनस ऑफ डेल्टा जी के बराबर हुआ करता है, डेल्टा जी बराबर तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई क्यू, ये सब कुछ आप जानते हैं। इक्विलिब्रियम होने के लिए इसे जीरो होना पड़ेगा, इसे जीरो हो गए तो ये हमारे पास में यहाँ जो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ई, और ये बनेगा के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारे पास में अगर वन हो गई तो यहाँ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये हमारे पास में बातें हो जाएंगी।
इतनी बातें हमारे पास में होते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे बतानी है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे इसके ऊपर, तो इधर की ओर आ जाते हैं कि ये कहां करनी क्या होती है। अगर हम बात करेंगे कि मुझे C++ से CU बनाना है, C++, तो हम क्या करेंगे, E0 इसका दिया, दोनों को जोड़ दिया और हमारे पास में 6 आ गया। यही बात गलत है, इसीलिए मुझे आपको ये पढ़ाना पड़ा। क्या करना हमें, हमें इसमें इसकी वैल्यू रखनी है -NFE। NFE का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फेराडे। E क्या है, EMF ऑफ द दैट, जो भी हमारे पास में दे रखा है उस समय का। तो यहां अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां का डेल्टा जी हमारे पास में जो होगा पहले वाला डेल्टा जी नॉट वन इजिकल -N, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F, E की वैल्यू कितनी 4 है, यहां डेल्टा जी हमारे पास में कितना है N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 इंटू एफ इंटू 2 है, जोड़ दीजिए। जैसी मैं इसको जोड़ूंगा तो ये -4 ये -4 हमारे पास में हो क्या हो रहा है -8 आ रहा है, -8F, 4 -8F इज इक्वल टू, यहां इलेक्ट्रॉन्स कितने 1, F into E, ये सब कैंसिल, तो E की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, केवल 8 के बराबर हो गई। E की वैल्यू केवल 8 के बराबर होगी। देखिए यहां से जब आप डायरेक्ट जोड़ रहे थे तो 6 आ रहा था, लेकिन इसको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते, ईएमएफ ऑफ द सेल आपके अपने पास में जो हुआ करते हैं E0, ये अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उनको हमें एक्सटेंसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह से लाना पड़ेगा, इससे लाना पड़ेगा, इस तरह से लाना पड़ेगा, ये हमारे पास में तब इस तरह से हम जोड़ करके लेकर आएंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर मेरे पास में ये वैल्यू थी, इनके जोड़ देने से ये वैल्यू हुई, मतलब ई ऑफ सेल, अगर हम बात करते हैं ई ऑफ सेल अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि यस हमारी बात सही है, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमारे पास में क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होने का मतलब अपने आप में रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से हो रही है। इसका मतलब ये लैंग्वेज ये कहना चाहता है कि CU++ से CU+ होना आसान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को इधर की ओर कन्वर्ट कर देता है और कोई भी हमें लैंग्वेज बोलनी बोल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मेरे पास में कहीं पर कोई दिया हुआ है, सपोज करिए मेरे पास में दिया हुआ Fe+2 से Fe+3 दिया हुआ है, ठीक है, और यहां दिया हुआ Sn+4 से Sn+2, मान लीजिए ऐसा करके, इसका E0 मेरे पास में दिया हुआ है, इसका E0 दिया हुआ है, यहां से इसका डेल्टा जी निकाल करके ओवरऑल हम देखेंगे, जब हम निकाल करके डेल्टा जी निकालते हैं, डेल्टा जी ओवरऑल देखते हैं, और E0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो जानते हैं आपकी लैंग्वेज क्या कहलाएगी, अगर ये हमारे पास सम करके डेल्टा जी हमने निकाला और E0 हमारे पास में पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि Sn+4 से Sn+2 हो जाना आसान है। इट मींस ये इस वाले को ऑक्सीडाइज करता है, मींस Sn+4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजर। तो हम ऐसे में जब वो लैंग्वेज होती है ना आपकी क्वेश्चंस में कि ऑक्सीडाइजर है रिड्यूसर है, तो उसके लिए हम क्या करा करते हैं, यही काम करा करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास में ये बात सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल है। अगर सक्सेसफुल हुआ करती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी लैंग्वेज दे देते हैं। इसमें और क्वेश्चन हमारे पास में कैसे बन जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे करके लिखा होता है, जनरली ऐसे लिखा होगा, ये 4 है या E0 है, यहां हमारे पास क्या Fe और यहां हमारे पास में Fe2 से Fe दे दिया और ये मान लो 2 दिया, फिर हमसे कहेगा कि बताइए E0 Fe से Fe+3 कितना होगा। तो पहले हमें क्या करना है, ये चाहिए तो इसे बना लीजिए Fe से Fe+3 बना लीजिए, कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हमारे पास में क्या हो रहा है Fe+2 ये मेरे पास में Fe+2 दिया है से Fe+3 हो जाना, E0 की वैल्यू कितनी है +4, ये हो गया हमारे पास में कितना, इधर Fe है से Fe+2 हो जाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, तो यहां पर E0 की वैल्यू क्या होगी -2। इनका समेशन करिए, जैसे इनका समेशन करेंगे ये कैंसिल होगा, हमारे पास में क्या आएगा Fe से Fe+3, तो यहां पर नंबर ऑफ, यहां n की वैल्यू कितनी 1, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 2, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 3, तो वही लगाएंगे डेल्टा जी सॉल्व हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने में आया हुआ आता है कि ये दिया और ये बताइए, तो जो बताइए है वाला शब्द है, जिसको बताना है उसको पहले बना लीजिए, जो बताना है उसको बना लीजिए, उसके बाद इन्हें ओपन करनी है और अकॉर्डिंग टू अपना एडजस्ट कर लीजिए। जैसे Fe+2 से Fe की वैल्यू 2 दी थी, लेकिन आप इसको पलट दीजिए, दैट्स इट, ये हमारे पास में हो जाता है। तो यही से हमारे पास में जनरेट होती है हमारी वाली वो लास्ट कहानी जिसका नाम हुआ करता है नर्स इक्वेशन। तो अब हम बात करेंगे आपसे नर्स इक्वेशन में और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आप में से कुछ बच्चे जो नीट के हैं वो तुरंत ये कहने लगेंगे सर नर्स तो हमारे यहां नहीं आ रही है। ठीक है,
लेकिन अगर उसकी लुक से, उसकी जानकारी से अगर आपको एडवांटेज हो रहा है अगले 10 मिनट में, तो छोड़ के मत जाइए। कुछ नहीं पता किस तरह की चीज कहां से किस तरह लिंक कर देंगे, और आप कहेंगे अरे ये तो सिलेबस में नहीं था। तो ऐसा कई बार होता है कि सिलेबस में नहीं हुई चीज को लिंक ऐसे कर देते हैं कि डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट आ जाए। तो इनडायरेक्ट वे को भी आप थोड़ा समझ के चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नासिक क्वेश्चन के साथ, ठीक है सब। तो ये आती है नासिक क्वेश्चन। चलिए साहब बात कर लेते हैं। अब हमारे पास में ये रहे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो बात जो कंफ्यूजिंग है, जो ये है कि भाई नासिक क्वेश्चन आएगी नहीं आएगी। तो अगर ईएमएफ आ गया तो, क्योंकि नासिक क्वेश्चन से रिलेटेड है ईएमएफ, तो हो सकता है ईएमएफ आ जाए, और ईएमएफ आ जाए तो इनडायरेक्टली नासिक क्वेश्चन भी आ गई है। नासिक क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव हमारे पास में क्या हुआ करता है, डेल्टा जी इक्वल टू, यहां से उसकी कहानी शुरू होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये होगा माइनस एन एफ ई, ये होगा माइनस एन एफ ई नॉट, प्लस ये होगा आर टी लॉग ई क्यू, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई क्यू। ये हमारे पास में बात आ जा रही है, ठीक है। अब यहां कहानी कुछ बदल जाती है। यहां पर हमारे पास में ये हो जाती है कि अगर मैं ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्टिव बात करूंगा तो ई ऑक्सीडेशन, और यहां 10 बेस को ले लेंगे क्यू वन हो जाएगा, या रिडक्शन होगा यहां 10 बेस को ले लेंगे क्यू टू हो जाएगा, और इस तरह से इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, ई सेल कहलाएगा। अब क्वेश्चन हमारे पास में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन लिखा होता है Zn Zn plus x UCU plus, इस तरह से यहां पर इसकी कंसंट्रेशन दे दी 0.1, इसकी कंसंट्रेशन दे दी 0.01 समथिंग करके। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn plus plus ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स का गड़बड़ है। लॉग 10 Zn प्लस प्लस Zn प्लस प्लस अपॉन खत्म। अब मैं इसकी बात करता हूं Cu प्लस प्लस से, Cu प्लस प्लस से Cu, तो E रिडक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन है, क्या होगा E रिडक्शन नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 1 अपॉन Cu प्लस प्लस। ये हमारे पास में बात आ गई, दोनों का सम कर दीजिए। दोनों का सम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, E सेल, और इनकी वैल्यूज को रख देंगे इस तरह से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ बच्चे इसको E cell is equal to E cell not minus 0.05 इस तरह से भी कर सकते हैं और करते भी हैं। अब यहां पर इस सवाल में बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, इस सवाल के लिए मैंने सारी बात करी है, सारा कुछ यहां पर गेम जो है वो इस क्वेश्चन के लिए है। हमारे पास में इस जगह पर जो हो रहा है H2 से H+ वाली जो बात आ रही है इस जगह पर, तो ये लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है तो बिल्कुल सक्सेसफुल है। हमारे पास में H2 से 2H+ हो रहा है, और Q1 की वैल्यू क्या होगा, H+ का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। अगर मैं इधर बात करूंगा 2H+ से H2, तो यहां Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ का स्क्वायर। तो ये Q1 हो गया, Q2 हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो E ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, E ऑक्सीडेशन नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10, ये H+ कितना होगा, C1 का स्क्वायर अपॉन P1, और यहां रिडक्शन की बात होगी तो E रिडक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, E रिडक्शन नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 P1 अपॉन C2 का स्क्वायर। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएंगे कैंसिल। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि जिसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसी का रिडक्शन कर रहे हो, जिसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसी का रिडक्शन कर रहे हो, तो ये इक्वल अपोजिट होंगे। इट्स अ चांस, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के लिए वैसे भी इनकी वैल्यू जीरो होती है, तो ई सेल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 P1, ये P2 है ठीक है, P2 अपॉन P1, और यहां क्या होगा, C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास में वैल्यू होगी। अब इसको पॉजिटिव होना है, इसको क्या होना चाहिए, 1 से कम। यही वो बात है जो मुझे समझानी थी, P1 बाय P2 और C1 बाय C2 स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर प्रेशर इक्वल है तो C1 शुड बी लेस देन C2, और अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो P2 शुड बी लेस देन P1, तब ये सक्सेसफुल होगा हमारे पास में। अब यहां पर अगर हमारे पास में इसके ऊपर इसे अप्लाई करें तो Cl2 से 2Cl माइनस, ये मत कर दीजिए, ये गलत है, क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है। दिखा भले से रखा कि Cl2 इधर, हमें ऐसे नहीं करना इधर से इधर, तो यही समझाना था, यही बात आपको ट्रिक समझानी थी आपको बात, कि Cl2 से Cl माइनस, नो, हमारे पास में लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होना, तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, Cl माइनस Cl2 के रूप में बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, Cl माइनस से Cl2 इस तरह से। तो हमारे पास में इस बार क्या होगा, Q1 की वैल्यू क्या होगी, PCl2 अपॉन C1 का स्क्वायर। इसके लिए Cl2 से 2Cl माइनस, Q2 की वैल्यू
सी टू का स्क्वायर अपॉन पी टू, अगर मैं इसको पी वन बोलता हूं, पी वन इसको पी टू, इस बार केस पलट जाएगा, यहां क्यू वन क्यू टू की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो क्या होगा, पी वन अपॉन पी टू और सी टू अपॉन सी वन का स्क्वायर होगा, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। एच टू से एच प्लस ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां ऑक्सीडेशन सीएल टू से सीएल माइनस नहीं होता, सीएल माइनस से सीएल टू होता है, सीएल माइनस से सीएल टू होता है, सीएल माइनस से सीएल टू, दैट्स इट, दैट्स इट। वहां पर आपके पास में आ जाना है, उसको हम बोलेंगे क्या, हमारे पास में ये चीज है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सेल, कॉन्सेंट्रेटेड सेल हमारे पास में हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका एजी से एजी प्लस हुआ और एजी प्लस से एजी, इस तरह से, तो यहां क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, केवल एजी प्लस, और यहां क्यू टू की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, वन अपॉन एजी प्लस। यहां पर ई ऑक्सीडेशन होगा, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू वही चीज, ई ऑक्सीडेशन नॉट माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन वन लॉग टेन, एजी प्लस आएगा आपके पास में, और यहां नीचे वाले में ई रिडक्शन बराबर क्या होगा, ई रिडक्शन नॉट माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन वन लॉग टेन वन अपॉन एजी प्लस हो जाएगा। जोड़ दीजिए, इनको कैंसिल कर दीजिए, ई सेल आ गया माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन वन लॉग टेन, ये कौन से वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला, तो क्या होगा, ए जी प्लस लेफ्ट अपॉन ए जी प्लस राइट, दैट्स इट। इसको वन से कम होना चाहिए, ये वन से कम होगा तभी ये निगेटिव, निगेटिव से क्या बनेगा, पॉजिटिव, मतलब राइट साइड वाला जो ए जी प्लस है उसकी वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, एक ये भी आपका क्वेश्चन वहां पर बना करता है। ये ए जी प्लस कहां से आया, ये ए जी प्लस आपका के एस पी से आ सकता है, मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन को डिजाइन कर दिया, कैसे डिजाइन कर दिया, ए जी से ए जी प्लस, और यहां क्या ए जी सी एल, और यहां क्या आपका ए जी प्लस, यहां क्या आपका ए जी बी आर, और ये क्या आपका ए जी, इसका के एस पी दे दिया, इसका के एस पी टेन टू पावर माइनस फोर है, इसका के एस पी दे दिया, इसका के एस पी मान लिया टेन टू पावर माइनस सिक्स है, तो इससे के आपका ए जी प्लस कैसे आएगा, ए जी सी एल को ब्रेक करा, ए जी प्लस सी एल माइनस, ये ऐसे ऐसे, मतलब के एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, एस इन टू एस, टेन टू पावर माइनस फोर एस स्क्वायर, एस इज इक्वल माइनस टू, ऐसे जोड़ो माइनस थ्री, ये माइनस थ्री है, ये माइनस टू है, वैल्यू रखिए, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, कॉमन एंड इफेक्ट के थ्रू भी, मतलब वो कहता है इसमें एचसीएल भी डाल दिया, उससे भी एस निकाला जा सकता है, तो इस तरह की बात आती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन आ ही सकता है या आएगा या आ जाता है, वो क्वेश्चन आपके सामने ये वाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा, ये क्वेश्चन आपका पूरे चांसेस 100% 100% चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, एस टू से एच प्लस, ये पी वन, इसकी वैल्यू सी वन दी समथिंग करके, हमसे कहेगा कि आप बताइए इसका पीएच कितना होगा, अगर उसकी ई सेल आपको दे रखी है, ई सेल दे रखी है आपकी कितनी, ई सेल दे रखी है मान लीजिए उसने 0.591 ये दे रखी है, तो बताइए पीएच क्या होगी। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या होगा, एस टू से टू एच प्लस, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एच प्लस का स्क्वायर अपॉन पी एस टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, पी वन वी वन जो भी मान लीजिए वन दे दी, ठीक है। अब ई सेल हमारे पास में क्या हो रहा है, ई सेल ऑक्सीडेशन वाला हो रहा है, तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन नॉट माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन टू, दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, लॉग टेन एच प्लस का स्क्वायर अपॉन दिस पी एस टू, पी एस टू मान लीजिए वन है, ये आपका जीरो होगा, इसकी वैल्यू दे दी मान लो पॉइंट कितनी थी 591, पॉइंट 591 अपॉन टू लॉग 10 एच प्लस का स्क्वायर, ये टू उतर गया, टू से टू कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस लॉग एच प्लस पीएच के बराबर, दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल सॉल्व, कुछ नहीं बचता है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस हुआ करते हैं, इनमें एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में बचता है कि हमारे पास में अगर यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है कि हमारे पास में लिखा है कि Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री, इसी के अंदर एक ही बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, और यहां MnO4 माइनस से Mn प्लस टू, हमसे ऐसे करके कहेगा, और यहां Pt Pt लिख देगा, प्लेटिनम पे डिपॉजिट हो रहा है, और pH की वैल्यू हमारे पास में वन है, तो बताइए ई सेल कितना होगा। तो ऐसे केस के लिए हमारे पास में क्या करना होता है, बैलेंस इक्वेशन का ध्यान रखे रहेंगे आप, बैलेंस इक्वेशन का ध्यान रखेंगे, मतलब हम आप इसकी बैलेंस इक्वेशन को ही लेकर के काम करेंगे ऐसे,
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम बैलेंस करेंगे या किसी मेथड से, जैसे 4H2O यहाँ पर लिख दिया, यहाँ हमारे पास में 8H+ हो गया। ये एडवांस लेवल का एक प्रॉब्लम होता है, ना जेई मेंस में नहीं आएगा, नीट में नहीं आएगा, ये जेई मेंस और नीट लेवल पर नहीं आएगा। बस इस तरह की एक प्रॉब्लम और आपकी बसती है। मैक्सिमम चीजें मैंने आपको इसमें समझाई हैं, क्या बताने कोशिश करी कि ईएमएफ वाले क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, डेल्टा जी वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपके कौन से वाले क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्वेश्चंस थे, कौन से वाले याद आया, फेराइडेज वाले, डिस्चार्जिंग वाले, वो क्वेश्चंस कैसे करके आपके आएंगे, वहां डिस्चार्जिंग होगी तो किस तरह से ध्यान रखना है, इन चीजों को करके चले जाइए, इन्हीं में से क्वेश्चंस फंसेंगे, इतना करना है। तो ये हाफ एन आवर में आपके दिमाग को ये बताने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करके जाना है और क्या छोड़ के जाना है, इन्हें करके जरूर जाना है और एक कंडक्शन वाला, उसके अलावा सब छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हो जाती हैं आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके मुझे आप बताइए फिजिकल का कौन सा टॉपिक मैं आपके लिए और करा दूं, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री तो मैं जरूर कराऊंगा, और संडे के टेस्ट के थ्रू नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको मैं दूंगा उससे भी आपके अंदर एक बूस्टिंग और डेवलप करूंगा। ठीक है, पीडीएफ आज की डाउनलोड कर लीजिए, उनके पॉइंटर्स को पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जहां पर मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रहिए, हमेशा हिम्मत बांधे रखिए और करते रहिए, क्योंकि कर्म का फल अच्छा ही होता है, अकर्म में नहीं जाना, करते रहना। ठीक है साहब, ऑल द बेस्ट।